देखिए, अगर सपा की हम बात करें तो दाऊद अहमद यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं, कांग्रेस के रितु सिंह बनाई गई हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस ने काफी इस मुद्दे को उठाया था, जो किसानों की जान चली गई थी, उसके अलावा जो हिंसक प्रदर्शन वहां हुए थे, तो प्रियंका गांधी लगातार किसान परिवारों से मिलने के लिए पहुंची थी। हालांकि यहाँ पर अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भुनाते हुए नजर आए थे, लेकिन कांग्रेस ने सबसे ज्यादा भुनाया था। तो क्या लगता है, रितु सिंह को पसंद कर सकते हैं लोग? देखिए, रितु सिंह की बात की जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उनके मुद्दे को बुलाया, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी जी को हाउस अरेस्ट किया गया, सीतापुर रोका गया, उसका कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन बाद उनको लखीमपुर आने को मिला। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए रितु सिंह के समर्थन में कोई कांग्रेस का बड़ा नेता मोहंदी विधानसभा में किसी प्रकार की कोई रैली नहीं की गई, तो सिर्फ रितु सिंह को टिकट दिया गया। रितु सिंह को एक डमी कैंडिडेट समझ लीजिए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से रितु सिंह के पक्ष में कोई भी नेता जो बड़ा नेता था प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी से रितु सिंह मिली थी और डायरेक्ट उनको दिया गया था। और कहा गया था कहीं ना कहीं जनता एक मांग कर रही है कि प्रियंका गांधी आएंगी तो रोड शो करेंगी या लोग रितु सिंह के लिए वोट मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर दूसरे जो प्रत्याशी हैं दाऊद अहमद, उनकी बात की जाए तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार की जो मुख्यमंत्री एक बुलडोजर जो चलने काम हुआ, कुछ जिस तरीके से दाऊद अहमद की 100 करोड़ की एक बिल्डिंग गिराई गई थी, तो कहीं ना कहीं उनको भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब आए थे मोहनदीप जनसभा हुई थी, साफ तौर कहा था कि उनकी भी बिल्डिंग गिराई गई है और तैयारियां चल रही है, क्योंकि उनके खिलाफ जो भी जो इलीगल उन्होंने संपत्ति या कुछ कर रखा है तो कार्रवाई होगी। जी।